और एक अहम खबर आपको मुंबई से भी बता दें, बीती रात से वहां लगातार बारिश हो रही है, निचले इलाकों में पानी भी भर गया है, सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। पिछले 10 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा धारावी, हिंदमाता, सायन इन इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल रात की 10 घंटे कल बारिश हुई है, रविवार का दिन था, ऐसे में सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से पानी से भरी हुई दिखाई दी। लेकिन दुखद बात यह है कि 2 लोगों की इस वजह से मौत भी हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मानसून के दस्तक देते ही मुंबई में बारिश का कहर जारी है। आपको बता दें, शनिवार की बरसात में 1 व्यक्ति की मौत जबकि 4 लोग घायल हो चुके हैं। मुंबई में हो रहे बीते 2 दिन से बरसात के कारण कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, इस वक्त हम अंधेरी इलाके में मौजूद है, यहाँ पर भी जल जमाव जो है वो शुरू हो चुका है। बारिश के चलते ही यातायात पर भी काफ़ी असर दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेल की जो सेवाएँ है वो सेंट्रल की रेल वो 10 मिनट की देरी से चल रही है, साथ ही जो वेस्टर्न की सेवाएँ वो 10 से 15 मिनट की देरी पर बताई जा रही है। इसके साथ ही जो हवाई यातायात है उसको भी कैंसिल करना पड़ा है बारिश के चलते। अगर इसी तरह बरसात होती रही तो आने वाले समय में मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश भिसे के साथ विनय तिवारी, जी मीडिया, मुंबई। जी हाँ, मुश्किल तो बढ़ेगी, आज पहला दिन है, वर्किंग डे है, मंडे है, लोग घर से बाहर निकलेंगे। विनय तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए अंधेरी से, लोअर परेल से अंकुर त्यागी हैं और अमित कोटेचा भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। विनय, सबसे पहले आप बताइए, अभी सुबह जो लोग घर से बाहर निकले अंधेरी इलाके में रहने वाले, वो किस बात का ध्यान रखें? जी देखिए नंदा, सबको पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे बरसात हो गई है, आज सोमवार का दिन है, पीकार है, ऐसे में लोग अपने काम पे निकलने के लिए एक बार डर रहे हैं, क्योंकि ये अंधेरी का जो इलाका है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे रात से ही जल जमा हो चुका है, जिसके कारण लोग जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, साथ ही साथ जो काम पर जाने वाले बच्चे हैं, वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पे देख सकती है, जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ कितने धीरे से चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का हाई अलर्ट जारी करके रखा है। अगले 24 घंटे का हाई अलर्ट है, यानी कि अंकुर, लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी और ये ध्यान रखना होगा कि किन जगह पर पानी भरा हुआ है, हो सकता है तो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं नंदिता आप, क्योंकि बेसिकली मुंबई के जो लो लाइन इलाके हैं, खासतौर पर जैसे आपने भी बताया था, हिंदमाता हुआ, टीडी सर्कल हुआ, वडाला हुआ, सायन हुआ, कुर्ला हुआ, ये इस साल इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ही अभी तक जो चेंज करने का जो सिस्टम होना था, चाहे रिपेयरिंग जो वर्क था वो कम्प्लीट नहीं हो पाया है। जहाँ तक बात ध्यान रखने की है, वेस्टर्न सबर्ब्स को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि कार से या बाय रोड अपना सफ़र तय करते हैं, क्योंकि पूरा मेट्रो का जो लाइन है, अगर अंधेरी से लेकर दहिसर तक का पूरा लंबा पैच है वेस्टर्न सबर्ब पे, जहाँ पे मेट्रो का काम हो रहा है, और वहाँ से ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मूव होता है पीक आवर्स में, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की संभावना आज की तारीख में लग रही है, क्योंकि कल पूरी रात बरसात हुई है। कल का दिन थोड़ा सा अच्छा रहा था, क्योंकि लोग छुट्टी थी, सुहावना मौसम बन गया था, लोग घर से नहीं निकले थे, अवॉइड किया था घर से निकलना, लेकिन आज जब कामकाज का पहला दिन होगा, लोग कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और अमित कोटेचा भी हमारे साथ हैं। अमित, ये बताइए कि क्या जो लोकल ट्रेन्स हैं वो भी देरी से चल रही हैं, और क्या लोगों को जानकारी दी जा रही है कि जो ट्रेन उनको लेनी है वो किस वक्त पर पहुंचेगी? जी बिल्कुल, लोकल ट्रेन की अगर बात करें तो जैसे मेरे सहयोगी विनय तिवारी ने बताया कि 5 से 10 मिनट देरी पर चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि कितना जलभराव हो चुका है, पूरी रात भर, बीती रात 11:30 बजे से तकरीबन ये बारिश शुरू हुई थी कि पूरी रात जोरदार होती रही, और आप ये देख सकते हैं कि कितना जलभराव हुआ है कि गाड़ियाँ आधा पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ एक और चीज आपको इस इलाके के बारे में बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे जाने की मशक्कत कर रहे हैं पानी में। साथ ही साथ
यहाँ सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि 3 से 4 स्कूलें हैं और बीएमसी की भी एक स्कूल यहाँ पे आती है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी यहाँ पे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ना कि सिर्फ यहाँ पे स्कूल है बल्कि छोटे बच्चे हो जिन्हें स्कूल जाना हो, सबके लिए ये दिन थोड़े मुश्किल होते हैं। और ये तस्वीरें जो है ये मुंबई से हर साल आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जो लोकल ट्रेन है वो 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है और वेस्टर्न सबर्ब में रहने वाले लोग आज ध्यान से निकले क्योंकि बेहद ज्यादा जाम आज इलाके में हो सकता है।